नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए 10 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। इसमें 4 फूल बने हुए हैं तो इसमें मैंने 41 फंदे डाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद आप उसी रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लिए गए हैं और दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। तीसरी लाइन में दूसरे रंग का ऊन लगाया जाएगा और पहला फंदा स्लिप कर लिया जाएगा। फिर 9 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे सीधे। इन्हीं 10 फंदों को पूरी सिलाई में दोहराया जाएगा, एक फंदा उतारा जाएगा और फिर 9 फंदे सीधे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक फंदा स्लिप करते हुए और 9 फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। और अब ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे। डिजाइन का पांचवा लाइन और पहले रंग के ऊन से पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा स्लिप कर लेंगे। ये जो 9 फंदा हमने दूसरे रंग के ऊन से सीधा बुना था, इसमें से दोनों आखिरी वाले फंदे यानी पहला फंदा और 9वां फंदा हमें स्लिप करना है और दूसरे से लेके 8वें फंदे यानी बीच के 7 फंदे हमें सीधा बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये बीच के 7 फंदे हमें सीधे बुनने हैं और 9वां फंदा हमें स्लिप करना है। फिर इसी रंग का ऊन का जो है उसे फिर सीधा बुनेंगे, अगला फंदा स्लिप करेंगे और बीच के 7 फंदे सीधे। पहला फंदा और आखिरी फंदा हमें स्लिप करना है और फिर इस रंग का ऊन का फंदा उसे सीधा बुन लेना है। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा और आखिरी फंदा सीधा बुनेंगे और बीच के पहला फंदा और आखिरी फंदा हमें स्लिप करना है और बीच के सभी फंदे सीधा बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन का पहला फंदा और आखिरी फंदा स्लिप करते हुए और बीच के सभी फंदे सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। और ये डिज़ाइन का छठा लाइन है और रॉन्ग साइड बुने हुए फंदे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुने हुए सभी फंदे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। डिज़ाइन का सातवां लाइन और सामने से दूसरे रंग के ऊन से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे,
दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर तीसरा फंदा स्लिप करेंगे और फिर बीच के 5 फंदे उसे सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर इसी रंग से उनसे बुना हुआ फंदा सीधा, नेक्स्ट स्लिप करेंगे, फिर सीधा और फिर अगला फंदा स्लिप करेंगे। जो बीच के 7 फंदे बुने हुए हैं तो किनारे किनारे के 2 फंदे स्लिप कर देंगे और जो बीच में 5 फंदे बचेंगे उसे ही हमें सीधा बुनना है। तो 1, 2, 3, 4, 5। फिर दूसरे ये जो पहले रंग का फंदा है उसे स्लिप करेंगे और इसी रंग के फंदे को सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट दूसरे रंग का फंदा है इसे स्लिप करेंगे, फिर इसी रंग का जो फंदा है उसे सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। अब ये 7 फंदा बीच का है तो किनारे किनारे का फंदा स्लिप करेंगे और बीच के 5 फंदे सीधा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। जब हम दूसरे रंग के ऊन से बुनाई करते हैं और रॉन्ग साइड में होते हैं तो स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ सभी फंदा सीधा ही बुनेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, मेन कलर से पहला फंदा सीधा, नेक्स्ट स्लिप करेंगे, फिर सीधा, फिर स्लिप करेंगे। अब ये 5 फंदे बुने हुए थे तो दोनों साइड के एक एक फंदे हम स्लिप कर देंगे और बीच में 3 फंदा बचेगा तो उसे हम सीधा बुनेंगे। हर लाइन में, हर सीधी लाइन में किनारे के एक एक फंदे को हम छोड़ते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 9 फंदा था, फिर हमने 7 फंदा बुना है, फिर अगली लाइन में 5 फंदा बुना है और इस लाइन में हमने सिर्फ 3 फंदा सीधा बुना है। और फिर जो जिस रंग से ऐसे दिखाई दे रहा है तो हम अपने मेन कलर से हैं तो दूसरे रंग वाले उनके फंदों को स्लिप करते जाएंगे और इसी रंग का जो फंदा है उसे सीधा बुनते चले जाएंगे। फिर ये डिज़ाइन का मेन पोर्शन आ गया तो साइड के दोनों फंदे हम स्लिप करेंगे और बीच में जो फंदे बचे रहेंगे सिर्फ उन्हें ही हम इस रंग के ऊन से सीधा बुनेंगे। देखिए यहाँ 5 फंदे हैं तो साइड के दोनों फंदे पहला और 5वां फंदा स्लिप कर लेंगे और दूसरा, तीसरा और चौथा फंदे को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अपने मेन कलर से रॉन्ग साइड में बुनते हुए बुने हुए फंदे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। जब भी अपने मेन कलर से हम बुनाई करते हैं और रॉन्ग साइड में होते हैं तो बुने हुए फंदे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। और दूसरे रंग का बुनते समय रॉन्ग साइड से बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। 11वीं लाइन सामने से और दूसरे रंग के ऊन से पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट स्लिप करेंगे, फिर सीधा, फिर स्लिप करेंगे और अगला फंदा सीधा। अब हमने यहाँ 3 फंदा सीधा बुना था तो किनारे किनारे के दोनों फंदे स्लिप कर लेंगे और बीच का फंदा सीधा बुनेंगे। यानी इस लाइन में एक फंदा स्लिप करना है और एक फंदा सीधा बुनना है। तो जो इस रंग का ऊन फंदा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनते जाएंगे और दूसरे रंग वाले फंदे को स्लिप करते चले जाएंगे और पीछे से बुना हुआ फंदा सीधा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे।
डिज़ाइन का 13वां लाइन और सामने से और अपने मेन कलर से, मेन कलर से जो जो फंदे दिखाई दे रहे हैं उन्हें सीधा बुनेंगे। हमारा पूरा ध्यान इस सेंटर वाले पोर्शन पे रहेगा, तो जो जो फंदे दिखाई दे रहे हैं उसे सीधा बुनेंगे और दूसरे रंग के फंदे को स्लिप करते जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखिए सेंटर पोर्शन पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे एक फंदा दूसरे रंग के उनसे है। ये अब जैसे हम इधर से घटना शुरू किए थे, अब यहाँ से हमारा बढ़ना शुरू होगा। तो अब ये तीनों फंदे जो हैं वो मेन कलर से सीधे बनाए जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वापस डिज़ाइन जो है और इधर से अब बढ़ना शुरू करेगा। तो यहाँ पे हमारा तीन फंदा बीच में सीधा आ गया। उसके बाद जो फंदा इस रंग के उन दिखाई दे रहा है उसे बुनते जाएंगे और दूसरे रंग वाले फंदे को स्लिप करते जाएंगे। और अब हम डिज़ाइन के देखिए यहाँ पे इस पोर्शन पे आ गए हैं, तो इन तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अभी तक हम एक एक फंदा किनारे से छोड़ते आए थे, लेकिन अब हम एक एक फंदा बुनते जाएंगे और डिज़ाइन ऐसे बढ़ता जाएगा। अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट स्लिप करेंगे, फिर सीधा, फिर स्लिप करेंगे, फिर सीधा, फिर स्लिप करेंगे, और ये सेंटर के तीन फंदे हैं उन्हें सीधा बुन दिया जाएगा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। डिज़ाइन का 15वां लाइन और सामने से दूसरे रंग के ऊन से पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट स्लिप करेंगे। और ये देखिए अब यहाँ पे तीन फंदा सीधा बुना गया था, तो किनारे के दो फंदा भी ऐड कर लेंगे और बीच के पांच फंदे सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे सीधे बुने जा चुके हैं। अगला फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट सीधा, फिर स्लिप करेंगे, फिर सीधा, फिर स्लिप करेंगे, और यहाँ पे सेंटर के पांच फंदे हैं तो उसे सीधा बुनते जाएंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते जाएंगे। सत्रहवीं लाइन सामने से और अपने मेन कलर से, पहला फंदा सीधा, नेक्स्ट स्लिप करेंगे और फिर सात फंदा, पांच फंदा ये बुना हुआ है तो, और एक एक किनारे के सात फंदा सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट स्लिप करेंगे, फिर सात फंदे सीधे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। इन्हीं दसों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है और रॉन्ग साइड से बुना हुआ फंदा उल्टा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। उन्नीसवीं लाइन सामने से और दूसरे रंग के ऊन से पहला फंदा स्लिप करेंगे और फिर नौ फंदे सीधे, यानी तीसरी लाइन। दसवां फंदा स्लिप करेंगे, फिर नौ फंदे सीधे।
यहाँ पे देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। और रॉन्ग साइड से बुना हुआ फंदा सीधा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बीस लाइन में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। 21वीं लाइन से फिर पहला लाइन शुरू हो जाता है, यानी मेन कलर से सभी फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन बन के तैयार है। सामने से ये ऐसा दिख रहा है और पीछे से ऐसा। 20 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। 9 फंदे से शुरू हो रहा है, हर लाइन में किनारे से एक एक फंदा छोड़ते हुए। जब हम एक फंदे पे आ जा रहे हैं तो फिर हर लाइन में, हर सीधी लाइन में फिर किनारे से एक एक फंदा लेते जाएंगे और वापस हमारे पास 9 फंदा हो जा रहा है। जब आप इसे बनाने बैठेंगे तो ये पता चलेगा कि ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए। यदि आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।